हर एक मौसम का एक अलग ही मज़ा है। क्या ठंड के मौसम में खाने के लिए बेहतरीन चीज़। अच्छा, अभी गर्मी का मौसम आया है तो अभी भी कुछ कम नहीं है, आप रोज़ कुछ ना कुछ नया खा सकते हैं। तो अभी तरबूज है, खीरा है, आपका खरबूज है, तो तरह तरह का फल है, खाइए। और भरपूर पूरा मार्केट में अंगूर, संतरा, सेब, अनार, तरबूज, खरबूज, जो भी है, ककड़ी जो बोलते हैं सो ककड़ी, खीरा, एक से एक। तो आ गए थे यहाँ, मूंगफली भून के निकाल लिए, उसके बाद थोड़ा सा राई डाले हैं, करी पत्ता, मिर्ची, तो पोहा बनाने के लिए। तो मतलब छोटा चम्मच चीनी भी डाल दिए। अब प्याज डाल देते हैं, तो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। तो उसके बाद एक आलू को कद्दूकस करके डाल दिए थे, देखिए, ताकि कुछ अलग इसका मतलब टेस्ट आ जाए। उसके बाद फिर एक टमाटर डाल दिए, इसमें हल्का सा हल्दी डाल के, नमक डाल के भून लिए। तब उसके बाद जो पोहा को धो के रखे थे उसको डाल के मिलाए। और हाँ, नींबू का रस इस वाले पोहा में नहीं डाले। ऊपर से चाट मसाला और थोड़ा सा भुजिया डाल के खाए थे। तो लीजिए, फटाफट नाश्ता बन के तैयार हो गया। तो अभी तो चल रहा है अंगूर और तरबूज, उसके पहले चला था सेब और संतरा। तो हर मौसम का तो अलग ही मज़ा है। अभी कुल्फी बनाइए, फिर उसके बाद आइसक्रीम जमाइए, जो भी है, ठंडा ठंडा शरबत बनाइए। एक दिन सोच रहे थे पुदीना का शरबत बनाएंगे। देखिए, पोहा तैयार है, चलिए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी दिन के 10:30 हो रहे हैं और दिन है आज बुधवार, और डेट है 30 मार्च 2022। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। क्या चीज़ का लाइट आ रहा है ना, उसका लाइट आ रहा है। तो आज नाश्ता में पोहा बनाए थे, बनाए थे क्या, भी बनाए ही नहीं। अब मेरा पापड़ अभी तक वैसे ही रखा हुआ, उसको रख देंगे अब डब्बा में। तो सोचे आज थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं, उसके बाद रखेंगे। सूख तो गया था यहीं पे, इस चौकी पे ही डाला हुआ था, तभी सूख गया, लेकिन थोड़ा धूप दिखाने से ना अच्छा रहेगा, स्मेल इसमें सब नहीं आएगा। तो चले नाश्ता करने, बहुत दिन बाद आज सोचे कि नहीं आज बनाते हैं पोहा। तो चलिए देखते हैं, आगे मिलते हैं फिर।
4:45 हो गया, तो काट के रखे हैं तरबूज, कल लाए थे ना, फ्रिज में रख दिए थे, तो सोचे कि आज काटते हैं खाने के लिए, आप लोग भी खाइए। आप लोग भी खाइए, खा लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। तो आप टेस्ट करके बताइएगा कि टेस्ट कैसा है, और मीठा तो बहुत है, बहुत मीठा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं।